हेलो, मैं संजय सिंह वर्मा। मुझे लोग संजय सर के नाम से भी जानते हैं, वर्मा सर के नाम से भी जानते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मैथ ऑनर्स है। दिल्ली के अंदर ही हमारी कोचिंग है, ओमेगा क्लासेस, और भी कोचिंग दिल्ली स्टडी सर्कल था इससे पहले। करीबन हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस 20 से 22 साल का है, और मैं 9th से लेकर 12th तक का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हालांकि मैं 9th और 10th का साइंस भी टीच कराता हूँ। हम लोग का पढ़ाने का एक टेक्निक हमारा बहुत ही अलग है, मतलब बहुत यूनिक टेक्निक है, जिसे दिल्ली में मैक्सिमम CBSE के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर, मैक्सिमम हमारे बच्चे ऐसे हैं जो IIT इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, मेडिकल में जा चुके हैं या अलग अलग पोस्ट पर जा चुके हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं उनके 90+ नंबर्स आते हैं, 90+। और इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था इस बोर्ड में भी 90+ कई हमारे स्कोर हैं, हमारे बच्चे जो स्कोर किए हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे 100 भी करते हैं, 100 मार्क्स भी लाते हैं मैथ्स में। तो आइए, आप लोगों में ये ट्यूशन बाबा प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं आपको टीच कराने के लिए आया हूँ। तो मैं एक छोटा सा बात आपके लिए बताने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ कि कोई फंक्शन दिया हो उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है। कोई फंक्शन दिया हो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, कैसे हम उसको चेक करेंगे, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, वो आपको मैं आप छोटा से वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आइए हमारे साथ समझिए। आइए हम लोग कैसे चेक करेंगे, है ना? बहुत आसान तरीका है, क्योंकि देखिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाता हूँ। मैं रटवाता नहीं हूँ, बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, कि बच्चे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करे, IIT बने, है ना? और बोर्ड में नंबर तो आना ही दोस्त, है ना? आइए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास FX है, तो FX क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, है ना? शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, डिफरेंशिएबल होगा आपका। एट मान लीजिए x इक्वल टू क्या, यहाँ पर ये है, देखिए ये आपका ये है ना? ये हमने कोई मान लिया लिमिट, यहाँ कॉन्स्टेंट मान लिया हमने। तो इसमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालना है और फिर राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे लिमिट निकालते हो वैसे ही एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला है बस। तो देखिए क्या करना है कि LHD है ना, यहाँ पर एट आपको जो पॉइंट दिया है, जो भी पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में, क्यों न्यूमेरिकल, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHD, है ना? और वही कहाँ एट आपका ये है बस जी। ये आपका इसमें सिंपल यही बात है कि ये चीज क्या होना चाहिए, आपको इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन लाइक लिमिट, जैसा लिमिट करते हो, है ना, तो अगर ये इक्वल अगर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना? जी, जो लिमिट दिया उस पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आइए इसका फॉर्मूला क्या है तो हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिखा लिमिट एस टेंस टू क्या, ये लेफ्ट हैंड इस पर माइनस, आपको पता है कि माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपका लेफ्ट हैंड है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड है ना, और प्लस RHD में आएगा, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला है देखिए, यहां पर FX ओके माइनस FA अपॉन क्या करना है आपको, x माइनस क्या करना है भी, ये करना है, समझ रहे हैं पर, है ना? और ये बीच में मैं इक्वल टू लेके चल रहा मैंने, ठीक है, ये लाइन खींचते, नो प्रॉब्लम। तो ये लिमिट आपका x टेंस टू क्या, ये RHD का है, ए प्लस, समझ गए, ये प्लस, ओके ओके, ठीक है। क्या करना है कुछ बस इसी में फॉर्मूला लिखिए, माइनस क्या करना है भाई, एफ ए, अब एक जो भी होगा है ना, अपॉन में क्या, सेम वही चीज, एक्स माइनस क्या देना हमने, ये देना है ये नीचे एक्स माइनस ये रहेगा। अब देखिए ये तो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना ही है, लेकिन इस फॉर्मूले में आप ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूज, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, ठीक है, या फिर एच वाला सिस्टम कर सकते हैं, एच वाला जो लेफ्ट हैंड में माइनस है ना और राइट हैंड में क्या करते प्लस करते हैं। तो हम आइए लेट में करता हूं, देखिए लेट कर दिया हमने क्या कि एक्स इक्वल टू हमने एच लेना है मान लीजिए, तो क्या हमारा हमारे पास ए है, तो मैं लिखूंगा ए माइनस एच। अब क्या होगा यहाँ पर, इफ इफ क्या कि भाई एक्स टेंस टू क्या था, ए था, तो देयरफॉर जब यहाँ पर ए वैल्यू पुट करोगे और एच की वैल्यू निकालोगे,
एच एच को इधर ले प्लस हो जाएगा, इधर लीजिए माइनस हो जाएगा, तो यानी एच का लिमिट क्या बनेगा जी, जीरो बनेगा ना, राइट जीरो बनेगा, आप समझ रहे हैं पर, है ना। तो आप आइए, अब इसको जहां जहां वैल्यू पुट कर दिए, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लिमिट, अब एच टेंस टू लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखूंगा जी जीरो लिखूंगा जी, ठीक है। और एफ में हमने एक्स में पुट कर दिया क्या कि ए माइनस एच, समझ रहे हैं पर, ठीक है। और माइनस यहाँ पर क्या रहेगा जी आपका एफ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स है नहीं, यहाँ एक्स वही सब चीज चूट करोगे यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में एक्स यहाँ भी, यानी ए माइनस एच और फिर माइनस क्या है ए, आप समझ रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या क्या हो रहा है कि ये ए तो गया कैंसिल हो गया जी, तो बचा क्या माइनस एच, है ना। तो आपका लिमिट एच टेंस टू एफ ए माइनस एच, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, घबराना नहीं आपको, ठीक है। और माइनस क्या एफ ए, और अपॉन में क्या बचा जी माइनस एच। देखिए आगे अब हमारा जो फंक्शन दिया हुआ इस पर हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं तो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, क्लियर है। आइए अब इस तरफ का आइए, अब राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, ये देखिए आपका लेट एक्स इक्वल टू, सॉरी हमने हाँ राइट ठीक है, ए प्लस क्या एच, समझ लिया पर, है ना, ओके। अब हमने यहाँ पर इफ लिमिट चेंज करिए, लिमिट चेंज करना होगा, तो एक्स टेंड टू कितना है जी क्या ये है यहाँ पर, मतलब प्लस है, मतलब राइट हैंड है, ठीक है। देयरफॉर जब आप पुट करेंगे यहाँ पर, जब पुट करेंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ भी क्या आएगा एच आपका जीरो आएगा, पुट करिए। अब लिमिट आपका एच टेंस टू क्या जीरो, और यहाँ पर क्या होगा एफ, अब यहाँ पर ये ए प्लस क्या एच, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए माइनस एच था ये, अब यहाँ प्लस है, हमेशा ही करते हैं लिमिट में, आप पढ़ चुके हो इलेवंथ में, है ना, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, माइनस है आपका एफ ए होगा, अपॉन यहाँ पुट करिए, तो ए प्लस एच अब फिर पहले बाद माइनस है, तो आपका तो कट गया जी, कैंसिल आउट हो गया जी, ओके ठीक है। अब क्या बचा जी एच, तो जो बचा लिख दो, आइए लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच, आइए माइनस क्या ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए प्लस एच है, और एफ ए अपॉन क्या है एच, है ना। तो अब इसको फंक्शन में अप्लाई करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल अगर हो गया तो डिफरेंशिएबल है एट गिवन गिवन पॉइंट गिवन लिमिट, जैसे लाइक ए यहाँ दिया हुआ है। आइए इस पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आइए एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल शुरू जब समझाऊंगा ना तो एग्जाम ऐसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप। देखिए ये क्या है कि इफ वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन एंड ऑल्सो एक्स इक्वल टू टू और नॉट, कि वन और टू पर क्या जो फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक करिए आप, ठीक है। एफ एक्स आपका एक्स है, एक्स लेस देन वन है ना, और फिर टू माइनस एक्स है, कब जब वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, देखिए ये वन का लिमिट अलग है और टू वाले सिस्टम से अलग हो जा रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड बनेगा टू का और राइट हैंड बनेगा टू वाला, और लेफ्ट हैंड वन पर बनेगा दिस एंड दिस, समझ रहे हैं, यानी ये फंक्शन टू में भी और वन में भी क्या है कॉमन है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, आइए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम, अभी लेंगे क्या कि एट एक्स इक्वल टू कितना जी वन पर लेंगे हम, क्योंकि वन वाली बात कर रहा है पहले, तो पहले वन वाला सोल्व कर लो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे हम लोग करना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको पता है कि फॉर्मूला तो यही था हमारे पास जो था, तो एफ एक्स है ना, एफ एक्स माइनस क्या था एफ ए, यही था ना, अपॉन में एक्स माइनस आपका ए था। अब यहाँ पर एच वाले सिस्टम जो हमने बताया आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो आप एच वाले सिस्टम को भी कर सकते हो और विदाउट एच वाले सिस्टम को भी आप कर सकते हो, चलिए मैं दोनों बताऊंगा आपको, आइए आप घबराइए मत, आइए यहाँ पर चलिए। तो यहाँ लिमिट दो लिख देना आपको कि लिमिट क्या है भाई, तो एक्स टेंस टू क्या है जी ए है और माइनस है, तो हमारे पास क्या आप होगा सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस देना है आपको, एफ एक्स लिखना है पर, है ना, यहाँ पर लोग क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लोग एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर आइए, चलिए देखिए तो एफ एक्स ये है और माइनस एफ वन, यानी एफ वन आएगा, और नीचे में क्या करना है देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस ये हमारा क्या है वन है, तो वन रहेगा यहाँ पर। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, हमारे फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड में वन से छोटा है एक्स, तो एक्स लेना है आपको यहाँ पर, तो फंक्शन हमारे पास एक्स हो गया। अब ये वन को दोस्त देखना है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि जो ए है यानी वन है ये किस में पुट करना है,
तो एक्स लेस देन वन लेकिन यहाँ बीच में नीचे इक्वल टू नहीं है, तो आप भूल से कभी यहाँ मत पुट कर देना, है ना, जहाँ इक्वल टू होगा वहाँ पुट करना है। कई बच्चे गलत कर जाते हैं, जो सामने वालों से पुट करके यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, नहीं आपको क्या पुट करना है कहाँ पर, तो देखिए टू माइनस एक्स है यहाँ पर, है ना, तो क्योंकि वन लेस देन इक्वल टू यहाँ इक्वल टू एक्स, यानी वन इसी फंक्शन में पुट होगा। तो कैसे पुट होगा भाई, तो देखिए आप ब्रैकेट ले लीजिए और टू है माइनस वन पुट करना है, तो वन यहाँ एक्स है वहाँ वन पुट कर दीजिए और नीचे तो सेम आपका रहेगा जी। बस ये चीज़ ध्यान आपको रखना है इसमें, ठीक है, आप सॉल्व करिए, एक्स टेंस टू वन चलता रहेगा। अब इसको ओपन करिए, एक्स माइनस और टू माइनस वन क्या होता है दोस्त, वन होता है, और नीचे भी क्या है दोस्त, वन है ना बच्चे, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया जी, अब जब कैंसिल हो तो लिमिट कहाँ पुट करना है, तो आंसर कितना आ गया जी, वन, बिल्कुल आपका लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन का आंसर आपको क्या आया है, वन आया है। आइए हम लोग अब राइट हैंड करेंगे, आइए हम लोग अब इसमें यहीं पर हम लोग लाइन खींचकर राइट हैंड करेंगे, है ना, आइए राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ भी हमने क्या लेना है, एक्स इक्वल टू कितना वन लेना है। राइट हैंड लिमिट यानी आपका आर एच डी, आप डॉट लगाए बीच में ना लगाए कुछ दिक्कत नहीं है, है ना, तो क्या करेंगे भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही डालना है, लेकिन लिखना क्या है, तो लिमिट डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ क्या एक्स टेंस टू वन प्लस लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने लिख रखा है ना, ठीक है। अब क्या हमारे पास है अभी, तो एफ एक्स हमारे पास कितना है, चलिए एक बार लिख लीजिए यहाँ पर एफ एक्स, है ना, माइनस आपका एफ वन रखना है, अपॉन में एक्स माइनस क्या करना है, वन करना है, समझ गए। आइए हम लोग पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस है एफ एक्स हमारे पास, अब देखना कि राइट हैंड में कौन सा आएगा वन पर, तो देखिए यहाँ पर ये वन, अभी टू को भूल जाइए, टू को भूल जाइए, वो सिस्टम अलग है, ना अलग क्वेश्चन उसमें है, ठीक है, तो वन लेस देन इक्वल टू क्या एक्स है, समझ रहे यहाँ पर, यानी लेस देन वन लेस देन है तो एक्स तो बड़ा है ना, है ना, तो आर एच डी आ गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ा है, एक्स की वैल्यू छोटा था, ठीक है, इक्वल टू भी है, तो ध्यान दीजिए ये आएगा क्या आएगा, टू माइनस एक्स, ओके ये आएगा माइनस में, अब माइनस में वन पुट करना है, तो वन यही पुट होना है, क्योंकि यहाँ भी पुट हुआ था, तो इस फंक्शन में भी आर एच डी में भी यही पुट होगा, ठीक है, तो क्या होगा जी, तो टू माइनस वन जो यहाँ तो वही चीज़ है वहाँ पर, और अपॉन में क्या होगा जी, तो अपॉन में वही होगा जो होता आ रहा है, अपॉन में वही होगा जी, ठीक है, चलिए आप सॉल्व करिए आगे में, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, समझ गए, टू माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, और टू माइनस वन ये है तो क्या माइनस वन बचेगा, है ना, अपॉन क्या एक्स माइनस वन, आप इसको सॉल्व करिए, एक्स टेंस टू वन प्लस टू माइनस वन फिर करना है यहाँ पर, समझ रहे यहाँ पर, है ना, टू माइनस फिर करना है तो क्या बचेगा जी, यहाँ पर वन बचेगा जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर वन माइनस एक्स, और नीचे में क्या है एक्स माइनस वन है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना कैंसिल आउट करने में, यहाँ वन माइनस एक्स है और यहाँ एक्स माइनस वन है, तो क्या करना होगा, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए मैं यहीं पर कंटिन्यू करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो बन जाएगा एक्स माइनस वन, और नीचे भी एक्स माइनस वन तो है, समझ गए ना, ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो अब तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया जी, माइनस वन, यस दोस्त, देखिए बच्चे माइनस वन आ गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये वन है और ये माइनस वन है, तो देयरफॉर हमने देखा कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, लेकिन आपने तो यही पढ़ा है कि जब दोनों इक्वल होगा तभी क्या है डिफरेंशिएबल है, तो आप लिख दोगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट क्या डिफरेंशिएबल, है ना, आप शॉर्ट में लिख लीजिए डिफरेंशिएबल, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसी को आइए मैं आपको एच वाला सिस्टम की थोड़ा सा बताता हूँ, अब देखिए हमने टू पर चेक नहीं किया, अभी सिर्फ हमने वन पर चेक किया है, टू वाले देखिए दोस्तों, टू वाले में सेम ही चेक करना है, तो ये लेफ्ट हैंड बनेगा, लेफ्ट हैंड यानी यही बनेगा लेफ्ट हैंड का, और राइट हैंड का देखिए ग्रेटर है तो ये बनेगा, और यहाँ जो पुट करने वाली बात है तो यहाँ भी क्योंकि इक्वल टू है तो इसलिए ये जो एफ एफ पुट होता है इसमें भी टू माइनस वन वाला सिस्टम में ही पुट होगा, समझ रहे यहाँ पर, है ना, तो मैं थोड़ा सा एच वाला सिस्टम बताता हूँ, वो आइए उस पर आप गौर करें, आप हमारे साथ समझिए, देखिए आइए जो चीज आपको मैंने बताया डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट अब एच वाला सिस्टम करेंगे, जैसा कि मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में समझाया था वो भी समझिए आप, देखिए इसी चीज को है तो मैं हम लोग क्या लिखेंगे, लेट क्या भाई, तो एक्स टेंस टू और हमारे पास ए कितना है, है ना, ए माइनस एच करते हैं तो ये हमारे पास वन है और माइनस क्या एच है, तो लिमिट क्या होगा जी, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है जी,
ये है यानी वन है यहाँ पर, ठीक है। तो देयरफॉर वन यहाँ पुट करिएगा तो एच कितना आ जाएगा आपको, एच टेंड्स टू क्या, जीरो। बस आप पुट करिए, लिखिए यहाँ पर कि लिमिट, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको एच लिखना है, एच टेंड्स टू। अब ये माइनस प्लस वाला चक्कर इसमें नहीं रहेगा, जो माइनस और प्लस ऊपर जो लगाते हैं वो चीज़ इसमें कंडीशन गैप हो गया। अब क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। तो एफ कितना लिखना है जी, तो आपको आया है वन माइनस एच, ठीक है। और माइनस कितना, तो आप कहते हैं ये तो वो फोन ए फोन रहेगा, नीचे में भी जहाँ एक्स है वहाँ वन माइनस से एक्स, ठीक है। और फिर माइनस कितना है, ए फोर वन है, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं ये वन वन तो गया भाई, तो गया तो बचा माइनस एच। अब वन माइनस एच कहाँ पुट करना है, लेफ्ट हैंड यानी एक्स था, तो यानी वन माइनस एच ही रहेगा क्योंकि ओनली एक्स है, ठीक है। और माइनस है ए फोन कहाँ पुट करना है, सेम वही चीज जो वहाँ हुआ था ना, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर है तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ नहीं, गलती से नहीं यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा जी, टू माइनस वन हो जाएगा, और नीचे में माइनस एच है और लिमिट कितना है, एच टेंड्स टू जीरो। आप आइए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, पर हम तो वन माइनस एच है ना, ध्यान दीजिएगा वन माइनस एच, और ये बचेगा यहाँ भी माइनस वन बचेगा और माइनस एच नीचे भी है, समझ रहे हैं। यहाँ लिमिट मान लीजिए कि है अभी, ठीक है, हमने नहीं लिखा है, स्पेस नहीं है हमारे पास, इसलिए तो ये कट कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बचा है दोस्तों, देखिए तो अब क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ आ जाइए, इसको यहाँ लेते हैं हम, आइए। तो बचा है माइनस एच अपॉन में क्या, एच, और लिमिट चल रहा है आपका, लिमिट क्या है, एच टेंस टू कितना है दोस्त, जीरो है, ठीक है, जीरो है जी। तो ये तो कट गया है, ये कट गया है आपका, तो कितना बचा आंसर, माइनस वन। आइए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन आपका माइनस वन आ गया। आइए हम अब राइट हैंड सॉल्व करते हैं इसका, है ना। आप करेंगे हम भाई एक्स इक्वल टू वन पर ही रहेगा आर एच डी, तो यहाँ क्या लेट करोगे दोस्त, तो एक्स टेंस टू क्या, सॉरी एक्स इक्वल टू ए यानी वन प्लस एच, लिमिट क्या है, तो वही चीज आएगा कि एक्स टेंस टू आप यहाँ वन था, तो देखो एच कितना आ जाएगा, जीरो पुट करोगे यहाँ पर, है ना। चलिए आइए अब क्या लिखना है, लिमिट एच टेंस टू कितना, जीरो, और एफ एफ में कितना लिखना है जी, ये चीज लिखना हमने वन प्लस, समझ गए, वन प्लस है ना, वन प्लस एच, और माइनस क्या है, एफ वन अपॉन में क्या, तो पुट करना यहाँ भी है ना, एक्स की जगह पर क्या वन प्लस एच एंड माइनस ए यानी वन, है ना, क्या कट रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल करिए वन तो कैंसिल हो रहा है। अब अंतर क्या है कि यहाँ माइनस एच बचा था और यहाँ प्लस एच बच रहा है ना, फंक्शन तो हमारा वही खाली एक्स था तो वही रह जाना है। तो ये हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये वन प्लस एच रहेगा, और यहाँ पर माइनस सेम वही चीज, क्योंकि हमने पुट तो यही करना जस्ट यहाँ भी, है ना। तो माइनस वन पुट करेंगे, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ माइनस टू माइनस वन हुआ है, कितना आया टू माइनस वन, देख रहे हैं टू माइनस वन वन आ गया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वन लिखता हूँ, ध्यान दीजिए क्योंकि बाहर और माइनस है ना, आप वन में क्या है जी, एच है। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये तो वन कैंसिल हो गया है, तो बचा कितना, लिमिट कितना, लिमिट है एच टेंस टू जीरो और ये आपका एच अपॉन एच, समझ रहे, ये कट गया है, कितना बचा वन, समझ रहे। यहाँ पर देखिए ये आपका दोस्त वन बच गया है, तो जब वन बच गया है तो यहाँ पर माइनस वन, यहाँ भी वन, वही सिस्टम आ गया जो पहले में आंसर आया था, सिर्फ हमने एच के लिए लेटिंग सिस्टम आपको बताया है, बस कुछ नहीं है, सब कुछ दोनों में नंबर वही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि देयरफॉर एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो देयरफॉर क्या होगा कि एफ एक्स इज नॉट क्या डिफरेंशिएबल एट क्या एक्स इक्वल टू कितना वन। तो मैंने अभी सिर्फ वन वाले को बताया आपको, वन वाले हमने करने के लिए सिखाया, जिस तरह से समझाया मैंने, अब टू वाले पर ऐसे ही टू लेना है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट लेना है, और ये एफ वाला सिस्टम पुट करना है टू, तो टू इसमें पुट करना है, टू माइनस टू या जीरो हो जाएगा दोनों जगह, दोनों लेफ्ट राइट दोनों पुट करना है, क्योंकि इक्वल टू यहीं पर है। आप समझ रहे हैं, देखिए एक बार समझिए इसको। तो आइए जैसा कि मैं आपको ये आपको समझाया भी है मैंने आपको, है ना, और टू पर मैंने कहा सेम टू का भी ऐसे लिमिट लगा लेंगे, हालांकि जो चार नंबर का ये आपको मैंने बोला कि ये 2015 का सीबीएसई का क्वेश्चन है, चार नंबर मार्क्स का, और बोर्ड में आपको 100% एक ऐसा क्वेश्चन आता रहा है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक, अदर बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। तो अब टू वाले को आप कर लोगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट बताया, टू वाले करने के बाद चार नंबर मिलेंगे, इतना चार नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने दोनों मेथड समझाने की कोशिश की आपको। तो आइए इस तरह से मैंने आपको बताया है, और बाबा ट्यूशन डॉट कॉम आपका है, उस पर आप हमारे साथ जुड़कर बाबा ट्यूशन के साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। मेरा नाम जो संजय सर है, संजय सर के साथ आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं।